यस प्रज्वल बाबा का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी के एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आप स्किन से रिलेटेड एमसीक्यू रहेगा, तो आप तक लास्ट तक देखना, जरूर आपको कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। दोस्तों जो हमारे स्किन है, स्किन का जो हमारे लेयर होते हैं, जैसे हमारे तीन टाइप के लेयर होते हैं, इपीडर्मिस, डर्मिस और इसके बाद हमारा जो है इपीडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये तीन टाइप हमारे लेयर होते हैं, जो हमारे लेयर हैं। तो इसमें पूछ रहा है जो सुपरफेशियल लेयर है स्किन का, उसे हम क्या बोलते हैं? जब सबसे ऊपर वाला परत का लेयर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? इपीडर्मिस। इसमें राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा इपीडर्मिस। इपीडर्मिस जो हमारा है वो सुपरफेशियल हमारा लेयर है, मिडल में जो हमारा होता है डर्मिस होता है, और जो हमारा लोअर में सबसे नीचे होता है हमारे इनर में हमारा हाइपोडर्मिस होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा सुपरफिशियल स्किन का? इपीडर्मिस। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहले दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्किन का। स्किन की जो लेयर होते हैं तीन लेयर होते हैं, इपीडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो इपीडर्मिस है, इपीडर्मिस के भी पाँच टाइप के होते हैं इपीडर्मिस के सब लेयर, जिसमें स्टेटम हमारा जो है कॉर्नियम है, ल्यूसिडम है, ग्रैनुलोसम है, स्पाइनोसम है और वेसल है। स्टेटम स्टेटम बेसल। तो दोस्तों जो बेसल हमारा है, इसको हम एक और भी हम बोलते हैं, इसमें जो जर्मिनेटिव हमारे लेयर है, या जर्मिनेटिव लेयर बोलो या तो स्टेटम बेसल बोलो। तो हमारे क्या है इपीडर्मिस के सब टाइप्स हैं। लेयर हमारे तीन टाइप के होते हैं, इपीडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, और जो इपीडर्मिस है उसके पाँच टाइप के होते हैं। यहाँ पर हमारे पाँचों टाइप दिए गए हैं। हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ इपीडर्मिस इज कॉल्ड। दोस्तों इसमें पूछ रहा है जो हमारे इपीडर्मिस पांच टाइप के होते थे, इपीडर्मिस जो पांच टाइप के हमारे हैं, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो हमारा है, सबसे इनर वाला वो कौन सा है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ ऑप्शन में है कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैनुलोसम और जर्मिनेटिव। दोस्तों सबसे जो नीचे वाला हमारा जो है मोस्ट लेयर, हमारा इनर मोस्ट लेयर है, वो जर्मिनेटिव है। जर्मिनेटिव को हमने बोला था दोस्तों स्टेटम बेसल भी बोलते हैं। तो लास्ट हमारा जो राइट आंसर हमारा क्या है, जर्मिनेटिव है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में भी देख लेंगे, नीचे दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे पूछ रहा है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इपीडर्मिस इज कॉल्ड। वहाँ पे इसके पहले इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जो पूछा था, दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा था, जो सबसे इनर लेयर है इपीडर्मिस का, उसको हम क्या बोलते हैं? इसमें से पूछ रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इपीडर्मिस इज कॉल्ड। तो इसमें से आउटर मोस्ट जो लेयर हमारा है, आउटर मोस्ट लेयर हमारा कौन सा है? कॉर्नियम है। तो यहाँ से राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा कॉर्नियम। अभी आपको स्ट्रक्चर में हम दिखा रहे हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमारे इपीडर्मिस का कौन सा है, और इनर मोस्ट लेयर हमारे जो इपीडर्मिस के हैं कौन से हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, तो हमने आपको भी बताया था कि डर्मिस हमारे जो हैं वो स्किन के तीन टाइप हो गए, इपीडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस लेयर जो होते हैं। जो इपीडर्मिस का जो पूछा था आप लोगों के आउटर मोस्ट लेयर, तो हमारा क्या है? स्टेटम कॉर्नियम है। और जो पूछा था इनर मोस्ट, हमारा स्टेटम वेसल है, या तो जर्मिनेटिव बोलते हैं, जर्मिनेटिव बोलेंगे या तो स्टेटम वेसल बोलेंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कलर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड बाई। दोस्तों जो हमारे स्किन कलर है, इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं हमारे स्किन कलर को? तो ऑप्शन में है मेलानिन। मेलानिन जो होता है दोस्तों, ये स्किन का कलर ही देता है, स्किन का जो कलर है देने वाला काम करता है वो मेलानिन है। और इसमें जो हमारे अगर यहाँ लिखा है लेवल ऑफ HB सैचुरेटेड, अगर हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है वो भी हमारा अगर इम्बैलेंस होता है, तो हमारा कम हो जाते हैं हीमोग्लोबिन, तो उससे भी हमारे जो स्किन के कलर हैं वो भी इफेक्ट पड़ते हैं। और यहाँ पे लिखा है लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट इन ब्लड, अगर बाइल पिगमेंट भी हमारा लेवल जो होता है बढ़ जाएगा तो भी स्किन में इफेक्ट आएगा। इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें हमारा जितने भी इसमें फैक्टर्स हैं, मेलानिन, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन या लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट इन ब्लड, ये सभी इफेक्ट करते हैं स्किन के कलरेशन के लिए। इसमें राइट आंसर हमारा जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ स्किन। दोस्तों जो कौन सा पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन के कलर के लिए? ऑप्शन में है अभी मेलानिन, कैरोटीन, रेड पिगमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी इसके पिछले वाले में आपको बताया गया था दोस्तों, जो हमारे स्किन का कलर है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए होता है वो? मेलानिन। मेलानिन जो होता है, ये पिगमेंट हमारा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन कलर के लिए। तो मेलानिन हमारे यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा हो गया मेलानिन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है पिगमेंट मेलानिन इज सिक्रेटेड बाय। जो हमारा मेलानिन पिगमेंट है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, किसके द्वारा सिक्रेट होता है, कौन सा सेल्स सिक्रेट होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है मेलेनोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट। दोस्तों लिम्फोसाइट में हमारे जो लिम्फोसेल्स, हमारे जो लिम्फोसाइट होते हैं,
ल्यूकोसाइट हो गया मतलब WBC हमारे जो होते हैं वो ल्यूकोसाइट्स हमारे हो गए, और एरिथ्रोसाइट्स में RBC जो हमारे सेल्स हैं RBC हो गए। मेलानोसाइट्स जो होता है, मेलानोसाइट्स से हमारे जो होता है मेलानिन ही सिक्रेट करता है, मेलानिन को सिक्रेट कौन करता है, मेलानोसाइट ही सिक्रेट करता है जो मेलानिन। दोस्तों मेलानिन जो हमारा है, मेलानिन हमारा प्रोड्यूस करता है, मेलानोसाइट हमारा है मेलानिन वो प्रोड्यूस करता है, जो कि ये लोकेटेड होता है, जो हमारा होता है क्रेस्ट डिराइव्ड सेल लोकेटेड होता है, जो कि बॉटम लेयर जो हमारे एपिडर्मिस का बॉटम लेयर होता है, जिसको आपने भी देखा था वेसल स्टेटम वेसल जो लिखा हुआ था, या जर्मिनेटिव सेल्स जो लेयर हमारे थे वहाँ से ये क्या करता है लोकेटेड होता है वहाँ पे। मेलानोसाइट जो हमारे सेल्स हैं ये वेसल लेयर में हमारे लोकेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन। दोस्तों इसमें से ऑप्शन में जो है जो ब्लड वेसल्स पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस लेयर में या डर्मिस लेयर में, बोथ में, या आइदर इन एपिडर्मिस या इन मतलब या तो एपिडर्मिस में या डर्मिस में, नहीं पाया जाता है बोथ में मतलब पाया जाता है, या आइदर एपिडर्मिस में या डर्मिस में। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डर्मिस जो लेयर हमारे होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स हमारे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंक्शन ऑफ स्किन इंक्लूड, इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि स्किन के फंक्शन है। इसमें ऑप्शन में है प्रोटेक्शन भी स्किन करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, ये विटामिन डी को फॉर्मेशन भी करता है। इसे राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि विटामिन जो जो डी मिलता है वो हमें सनलाइट से मिलता है, तो सनलाइट जो हमारी स्किन में पड़ता है तो स्किन में से हमारे कुछ रिएक्शंस होते हैं, वो जब रिएक्शंस होते हैं तो वही हमारे फंक्शन स्किन हमारा जो है वही फंक्शन करता है कि विटामिन डी को फॉर्मेशन करता है हमारा स्किन द्वारा होता है। सनलाइट जब पड़ेगा स्किन पे तो स्किन के अंदर जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो हमारा है वो क्या करेगा, सनलाइट में आकर के उसके बाद वो अपना वो रिएक्शन शो करता है, जिससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर्स थ्रू द। दोस्तों अगर हमारी बॉडी कौन से हमारा पार्ट है जिससे कि हमारा जो हीट है वो लॉस होता है बॉडी में, तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों स्किन है, स्किन जो हमारा है ये राइट आंसर हमारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन। दोस्तों जो हमारा टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है वो ब्रेन के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसमें ऑप्शन में है थैलमस, हाइपोथैलमस, मेडुला ओब्लॉन्गेटा और सेरिबेलम। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो थैलमस होता है, जो थैलमस हमारा है ये रोल करता है जैसे हमारा सोने होने में, या जो हमारा उठना जागना सोना कोई चीज़ सीखना लर्न करना, ये हमारा क्या होता है थैलमस हमारा वर्क करता है। जो हाइपोथैलमस है, हाइपोथैलमस जो हमारा होता है टेम्परेचर रेगुलेट करता है, टेम्परेचर जो रेगुलेशन करता है हमारा क्या करता है हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस जो रेगुलेट करता है हमारे टेम्परेचर को। अब हम देखते हैं मेडुला ओब्लॉन्गेटा, जो मेडुला ओब्लॉन्गेटा है ये हमारा कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को, ब्लड प्रेशर को, ये ओब्लॉन्गेटा हमारा ये रेगुलेट करता है। और सेरिबेलम की बात करेंगे तो जो हमारे 5 सेंस होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है, जो 5 सेंस हमारे जैसे आई हो गए, नोज हो गए, ये जो हमारे ये सब 5 सेंस हैं उसको क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है। अब इसमें तो हम अगर बात करेंगे टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो बोल रहा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है वो हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस क्या करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ग्लैंड आर स्टिमुलेटेड वेन। दोस्तों अगर जो स्वेट ग्लैंड है, अगर स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो इसमें से राइट आंसर हमारा होगा जो हमारे बॉडी टेम्परेचर है और क्या बॉडी टेम्परेचर भी हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। स्वेट ग्लैंड जो हमारा है क्या करता है वो बॉडी हमारा जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर करता है। अगर स्टिमुलेट अगर हो जाएगा ज़्यादा, अगर स्टिमुलेट हम कर देंगे स्वेट ग्लैंड को तो हमारा क्या हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछना है वैसो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन कॉज। दोस्तों जो हमारे वैसो डायलेशन हो जाएगा अगर ब्लड वेसल्स का तो स्किन के कारण, तो इसमें हमारा क्या होगा हीट लॉस हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन होगा क्या हीट लॉस होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दोस्तों इसमें से कौन सा ऑर्गन हमारे जो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी है, तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा स्किन हो जाएगा। दोस्तों अगर ऑप्शन में स्किन नहीं रहेगा तो आपको लीवर को लगाना है, तो क्योंकि हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा क्या हो जाएगा लीवर हो जाएगा। अगर स्किन ऑप्शन है तो आपको स्किन लगाना है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी में, अगर स्किन ऑप्शन में नहीं है तो आपको किस में लगाना है लीवर में लगाना है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्किन हो जाएगा। अगर यही स्किन ना होकर के कोई और होता तो यहाँ पे हम लीवर को लगाते, तो राइट आंसर हमारा क्या होता लीवर हो जाता। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि एपिडर्मिस इज थिकेस्ट ऑन द। दोस्तों जो हमारा
इपिडर्मिस है सबसे ज़्यादा जो थिक होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है एल्बो में, पॉम ऑन द हैंड में, फिंगर में, हेड में। तो सबसे जो हमारा इपिडर्मिस है मोटा कहाँ होता है, थिक कहाँ पे होता है? पॉम ऑन द हैंड, मतलब हमारे जो पॉम है हैंड का वहाँ पे होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है कि मेलानिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर इज सिक्रेटेड इन। दोस्तों जो हमारा मेलानिन है वो सिक्रेट जो होता है हमारे स्किन कलर है कहाँ सिक्रेट होता है, तो अभी आपको बता दिया गया था कहाँ से, जर्मिनेटिव हमारे जो लेयर है वहाँ से होता है सिक्रेट, तो जर्मिनेटिव लेयर्स हो गया, या तो क्या था स्ट्रेटम, स्ट्रेटम हमारा क्या था स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम बेसल था, या तो बोलो जर्मिनेटिव लेयर जो हमारे इनर मोस्ट लेयर है वहाँ से सिक्रेट होता है हमारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो गया जर्मिनेटिव लेयर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड विच ऑर्डर ऑफ लेयर एपिडर्मिस ट्रू। दोस्तों आपने जब एपिडर्मिस पढ़ा था, डर्मिस वाले वाला जो लेयर पढ़ा था स्किन का, तीन टाइप के लेयर हमारे होते थे, कौन कौन से हमारे डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस था। जो एपिडर्मिस था उसे भी पांच टाइप में क्लासीफाई किया गया था, इसमें पूछा है आउटसाइड से मतलब ऊपर से लेकर के जो पांच टाइप हमारे एपिडर्मिस लेयर के सब टाइप जो क्लासीफाई किए गए हैं, मतलब आउटसाइड से लेकर इनर साइड में जो पांच टाइप के हैं, मतलब पहला से लेकर पाँचवा तक किस ऑर्डर में लेयर हैं एपिडर्मिस के, उसमें से कौन सा सही आपको चूज करना है। दोस्तों जो सबसे पहले था हमारा कॉर्नियम था, तो यहाँ पे कॉर्नियम है, स्ट्रैटम कॉर्नियम है। दूसरे नंबर पे जो था हमारा क्या था, ल्यूसीडम था, ल्यूसीडम है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे था ग्लोसोम है, ग्लेनोसम है, तो ग्लेनोसम है। और जर्मिनेटिव जो हमारा चौथे नंबर ग्रेनेटिव है। इसमें चार दिया है, पांच टाइप ऐसे होते हैं, तो इसमें एक मिस है, तो हमारे जो हो जाएंगे राइट आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा सही हो जाएगा अगर पांच टाइप होते। देखो कॉर्नियम यहाँ पे पहले पे था तो ग्लेनोसा पर नहीं आता, ल्यूसीडम आता, तो ल्यूसीडम आ गया पहले, यहाँ पे बाद में आया है, तो इसीलिए क्या होगा ये राइट आंसर हमारा नहीं, राइट आंसर हमारा ये है। अभी स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं, इसको मैच करा लेना आप और देख भी लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लेयर की हम बात करेंगे, तो पांच टाइप के हमारे जो लेयर होते हैं, इसमें कॉर्नियम दिया था, कॉर्नियम पहला हो गया, दूसरा हमारा ल्यूसीडम हो गया, तीसरा जो होगा ग्रेनुलोसम हो गया, और चौथा जो होगा स्पाइनोसम हो गया, और चौथा जो होगा हमारा बेसल हो गया, या हमारा जर्मिनेशन या जर्मिनेटिव बोलते हैं उसे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज। दोस्तों जो स्वेट ग्लैंड है उसका मोस्ट फंक्शन हमारा क्या होता है, तो इसमें से राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, वो मेंटेन करने का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है स्वेट ग्लैंड का ये हमारा यही है, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछा है कंट्रैक्शन ऑफ एरेक्टर पिलाई इन स्किन इज रिलेटेड टू। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों, वहाँ पे हम पहले ऑप्शन देखते हैं, वार्मिंग मैकेनिज्म हो गया, कूलिंग मैकेनिज्म हो गया, ओपनिंग स्पिनेक्टर हो गया, और क्लोजिंग स्पेक्ट्रम हो गया। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, वार्मिंग मैकेनिज्म है, जो हमारा कंट्रैक्शन ऑफ एरेक्शन पिलाई का स्किन होता है, स्किन इन स्किन में जो हमारे एरेक्शन पिलाई होता है उसका काम होता है वार्मिंग मैकेनिज्म शो करना। इसमें से राइट आंसर हमारा जो हो गया वार्मिंग मैकेनिज्म। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन ह्यूमन बॉडी सेप्सियस ग्लैंड आर फाउंड इन। दोस्तों जो सेप्सियस हमारा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ पाया जाता है, इसमें ऑप्शन है एक्जिलरी, सोल ऑफ फीट, पॉम ऑफ द हैंड, बोथ ए एंड बी। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों, बोथ बी और सी जो हमारे होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। बी हमारा क्या हो गया, पॉम और हैंड हो गया, जो हमारे सेप्सियस हमारे ग्लैंड हैं, तो बोथ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो पॉम है वहाँ पाया जाता है, और जो सोल हमारे हैं, सोल ऑफ फीट, पैर का जो हमारा सोल है वहाँ पे पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें पॉम ऑफ हैंड भी सही है और सोल ऑफ फीट भी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि द सबस्टेंस दैट कीप द हेयर सॉफ्ट एंड प्लेबल एंड गिव शाइनी अपीयरेंस इज नोन है। दोस्तों हमारे जो हेयर सॉफ्ट हमारे होते हैं या प्लेबल्स हमारे होते हैं, जो शाइनिंग अपीयरेंस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसमें से हमारे जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर हमारे जो हो जाए क्या हो जाएंगे, सेबम, सेबम हम बोलते हैं इसमें से, राइट आंसर हमारा जो सेबम, ऐसा मतलब जो हमारे हेयर को सॉफ्ट बनाते हैं, प्लेबल बनाते हैं और शाइनिंग अपीयरेंस देते हैं, तो सेबम के कारण हमारे ये होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सेबम हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। इसमें से हमारे जो कौन से ऑर्डर है जो करेक्ट है, पहला लिखा है कि इंक्रीज जब होगा बॉडी टेम्परेचर तो डायलेटेशन ऑफ स्किन कैपिलरी हीट लॉस होगा। अगर इंक्रीज होगा बॉडी टेम्परेचर तो कंट्रैक्शन ऑफ स्किन का कैपिलरी का क्या होगा,
हीट प्रोडक्शन करेगा। अगर इंक्रीज हुआ बॉडी टेम्परेचर फिर डायलेशन ऑफ स्किन का होगा कैपिलरी का और हीट प्रोडक्शन करेगा, और इंक्रीज हुआ अगर बॉडी टेम्परेचर डायलेशन ऑफ इंक्रीज कैपिलरी हीट हो। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग हमारा है, अगर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे डैश है बीच में, फिर स्किन यहाँ पर लिखा डायलेशन ऑफ स्किन कैपिलरी, फिर यहाँ पर ऑप्शन है हीट लॉस, ये अलग है ऑप्शन है। तो हमारे जिसमें जो राइट आंसर हमारा करेक्ट आंसर जो हमारा है यही है, अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा तो हमारे जो स्किन का डायलेशन कैपिलरी और डायलेशन होगा और हमारा क्या हीट लॉस होगा। तो राइट आंसर हमारा यही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन से, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंक्शन ऑफ स्किन इंक्लूड एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा फंक्शन है छोड़ करके बाकी सब स्किन के फंक्शन है। मेंटेनिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये भी होता है, विटामिन डी हमारे सेंसेस ये भी काम करता है, हमारे प्रोडक्शन ऑफ सेल ये भी काम करता है। दोस्तों इसको आपको कमेंट करके लास्ट में बताना है कि इसमें से राइट आंसर जो हमारा है कौन सा है। मैं इसमें बताना है आपको कि जो हमारे स्किन के फंक्शंस होते हैं इसमें से कौन कौन से स्किन के फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शन नहीं है स्किन का, तो ही आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन है जो कि स्किन का फंक्शन नहीं है। आई होप दोस्तों आप लोगों ने समझ में आएगा, नहीं समझ आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना।